कि जैसे पूरे तेलंगाना का स्नेह यहां इस मैदान में ही सिमट आया है, तेलंगाना के अलग अलग जिलों से आप यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, इस स्नेह के लिए, इस आशीर्वाद के लिए मैं तेलंगाना का अभिनंदन करता हूं, तेलंगाना की धरती को वंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों के स्नेह को ध्यान में रखते हुए ही हमने इस बार भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में कराने का फैसला किया था। बीते दो दिनों से यहां देश भर से भाजपा के प्रतिनिधि, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आपके इस प्यार को, इस स्नेह को अनुभव कर रहे हैं। जिस तरह हैदराबाद शहर हर टैलेंट की उम्मीदों को नई उड़ान देता है, वैसे ही भाजपा भी देश की आशाओं अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। इसलिए आज जब हम 21वीं सदी के समर्थ, सशक्त, आत्मनिर्भर भारत के रोड मैप पर काम कर रहे हैं, तब हैदराबाद में हुए भाजपा के इस मंथन का विशेष महत्व है। साथियों, तेलंगाना के लोग पूरी दुनिया में कड़ी मेहनत और देश के विकास के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। तेलंगाना में कला, कौशल, कर्मठता भरपूर है। तेलंगाना प्राचीनता और पराक्रम की पुण्य स्थली है। यहां भद्राचलम में श्री राम से लेकर यादाद्रि में श्री नरसिम्हा तक, आलमपुर में जोगुलांबा से लेकर वरंगल में भद्रकाली तक, इस पवित्र भूमि से ईश्वरीय आशीर्वाद हमारे भारत पर अविरल बरसते हैं। विश्व प्रसिद्ध रामप्पा मंदिर से लेकर अद्भुत काकतीय तोरणम तक तेलंगाना का आर्ट और आर्किटेक्चर हमें गौरव से भर देता है। प्रताप रुद्र से रानी रुद्रमा देवी, अर्कमरम भीम तक तेलंगाना की इस वीर भूमि के शौर्य और बलिदान की गाथाएं अतुलनीय है। भद्राचलम रामदासु से लेकर पालकुरी की सोमनाथ तक, यहां के काव्य का माधुर्य, यहां के साहित्य का सौंदर्य पूरे भारत के लिए अमूल्य निधि है। इस धरती की ये आस्था, ये श्रद्धा और ये विरासत हमें जन जन की सेवा के लिए समर्पण की ऊर्जा देती है।
इसलिए साथियों, ऐसे तेलंगाना का विकास, चौतरफा विकास भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकताओं में से एक है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए हम तेलंगाना के विकास पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, बीते 8 वर्षों में हमने हर भारतीय के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। देशवासियों का जीवन कैसे आसान हो, विकास का लाभ कैसे हर व्यक्ति, हर क्षेत्र तक पहुंचे, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। दशकों तक जो वंचित रहे, शोषित रहे, उनको भी राष्ट्रीय योजनाओं के माध्यम से हमने विकास में भागीदार बनाया है। यही कारण है कि गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी सभी को आज लगता है कि भाजपा सरकार उनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं दोनों की पूर्ति कर रही है। देश की महिलाओं, हमारी बहन बेटियों को भी आज महसूस हो रहा है कि उनका जीवन आसान हुआ है, उनकी सुविधा बढ़ी है, अब वो राष्ट्र के विकास में अधिक योगदान दे सकती है। साथियों, भाजपा सरकार के इसी सेवा भाव का लाभ तेलंगाना के हर गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मिडिल क्लास परिवार को भी मिल रहा है, तेलंगाना की बहनों बेटियों को मिल रहा है। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान जब 100 साल का सबसे बड़ा संकट आया, तो हमारी सरकार ने तेलंगाना के भी करोड़ों साथियों को तेजी से मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाई गई। तेलंगाना के गरीबों को मुफ्त राशन हो, गरीबों को मुफ्त इलाज हो, भाजपा सरकार की नीतियों का लाभ सभी को बिना भेदभाव मिल रहा है और सेवा भाव से मिल रहा है। यही तो सबका साथ सबका विकास है। इसी वजह से आज देश के सामान्य नागरिक का भाजपा पर इतना विश्वास है। मुझे खुशी है कि तेलंगाना के लोगों का भी भाजपा पर ये विश्वास लगातार बढ़ रहा है। जहां तक मेरी नजर पहुंच रही है, जोश से भरे नौजवान दिखाई दे रहे हैं। आपका ये प्यार, आपका ये उत्साह आज पूरे देश को पता चल रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में
भाजपा ने जितना जन समर्थन तेलंगाना में हासिल किया था उसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आपने भरपूर प्यार दिया, भरपूर समर्थन दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भाजपा ने जितना समर्थन तेलंगाना में हासिल किया उसमें निरंतर वृद्धि होती रही है और ये वृद्धि ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपके प्यार को दर्शाती है। आपकी इस निरंतर प्यार बढ़ता रहा है, निरंतर वृद्धि होती जा रही है, वो हर चीज में दिखाई दे रही है। ग्रेटर हैदराबाद के चुनाव में इसकी एक और झलक हमने देखी, जब भाजपा को अभूतपूर्व सफलता मिली। देश के दूसरे राज्यों में भी हमने देखा है, जहां जहां भाजपा की डबल इंजन सरकार है उन राज्यों का विकास और जनता का विश्वास कई गुना बढ़ा है। यही आकांक्षा अब तेलंगाना के लोगों की भी है। तेलंगाना के लोग लगातार भाजपा की डबल इंजन सरकार के लिए जनता जनार्दन खुद ही रास्ता बना रही है। साथियों, यहां बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहने आशीर्वाद देने के लिए आई है। साथियों, आपका प्यार, आपका उत्साह मैं भली भांति समझ सकता हूं। साथियों, हमारी सरकार ने महिलाओं, बहनों, बेटियों की गरिमा, उनके स्वास्थ्य, उनका जीवन आसान बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। स्वच्छ भारत अभियान से तेलंगाना की लाखों गरीब माताओं, बहनों, बेटियों को सम्मान का जीवन मिला है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से तेलंगाना की लाखों गरीब बहनों को धुएं से मुक्ति मिली है। मातृत्व के समय पोषण से लेकर टीकाकरण तक की सुविधाओं को हमने तेलंगाना के गांव-गांव तक पहुंचाया है, हर लाभार्थी तक पहुंचाया है। इसी का परिणाम है कि आज बहनों और बेटियों का स्वास्थ्य भी सुधर रहा है और उनके जीवन पर संकट भी कम हुआ है। भारत में पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक हुई है। भाइयों और बहनों, हम इसी 21वीं सदी में देश की नारी शक्ति को राष्ट्र शक्ति बनाने का ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों में जमा धनराशि में महिलाओं की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। ग्रामीण महिलाओं के मामले में ये आंकड़ा और भी ज्यादा है। सर्वे बताते हैं कि आज हमारी बहनों की संपत्ति में हिस्सेदारी भी बढ़ी है और परिवार के आर्थिक फैसलों में पूछ भी बढ़ रही है। ये इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि हमने बहनों को बैंकिंग से जोड़ा। देश की अर्थव्यवस्था में बेटियों की सीधी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया।
आपके प्यार के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथियों, जनधन योजना के तहत पूरे देश में 45 करोड़ बैंक खाते खोले गए, जिसमें से 1 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक खाते तेलंगाना में खुले हैं। इन जनधन खातों में 55% से अधिक खाते महिलाओं के हैं। इसी तरह जो मुद्रा लोन दिए गए हैं उसमें से 2/3 से अधिक लोन महिलाओं को दिए गए हैं। स्टैंड अप इंडिया के तहत दिए गए लोन में से 80% से अधिक महिलाओं को दिया गया है। यहां तक कि रेहड़ी ठेले पटरी वाले देश के लाखों साथियों को भी केंद्र सरकार ने बैंकों से जोड़ा है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत तेलंगाना में के भी हजारों साथियों को मदद मिली है। भाइयों और बहनों, तेलंगाना भारत में रिसर्च और इनोवेशन का भी एक बड़ा केंद्र है। कोरोना काल में वैक्सीन को लेकर, दूसरे साजो सामान को लेकर जो काम यहां हुआ है उसने पूरी दुनिया में करोड़ों जीवन बचाने में मदद की है। बीते 8 वर्षों से केंद्र सरकार इस इकोसिस्टम को सशक्त करने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है। हैदराबाद में आधुनिक साइंस सिटी बनाने के लिए भी भाजपा सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। कुछ समय पहले नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायो मेडिकल रिसर्च जैसा आधुनिक रिसर्च सेंटर हैदराबाद में तैयार हो चुका है। साथियों, भाजपा सरकार सिर्फ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के प्रोजेक्ट ही नहीं बना रही, बल्कि गरीब और ग्रामीण परिवारों के बेटे बेटियों के प्रतिभा को भी प्रोत्साहन दे रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमने स्थानीय भाषा में पढ़ाई को प्राथमिकता दी है। अब आप ही बताइए, जब तेलुगु में टेक्नोलॉजी और मेडिकल की पढ़ाई होगी तो तेलंगाना के गांवों की गरीब परिवार के माताओं के सपने सच होकर के रहेंगे कि नहीं रहेंगे? इससे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए टैलेंट का पुल बड़ा होगा या नहीं होगा? भाइयों और बहनों, आत्मनिर्भर भारत अभियान को रामागुंडम खाद कारखाना भी सशक्त कर रहा है। आप सभी ये जानते हैं कि बीते दशकों में देश के जो अनेक खाद कारखाने बंद हुए थे उनमें से ये भी एक था। 2015 में हमने इसको फिर से चालू करने के लिए काम शुरू किया, लगभग 6,500 करोड़ रुपए का निवेश किया। अब यहां फर्टिलाइजर का उत्पादन शुरू हो चुका है, बहुत जल्द इसको भी राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। ये तेलंगाना के किसानों के लिए, भारत के किसानों के लिए कितनी बड़ी सुविधा है इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। इससे खाद पर हमारी विदेशी निर्भरता कम हो जाएगी। भाइयों और बहनों, हमारा निरंतर प्रयास है कि तेलंगाना के किसानों का जीवन आसान हो, उनको अपनी उपज का अधिक से अधिक लाभ मिले। तेलंगाना में पानी से जुड़े लगभग 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के 5 बड़े प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार काम कर रही है। बीते 6 सालों में केंद्र सरकार ने तेलंगाना के धान किसानों से लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए का धान खरीदा है। धान किसानों को लागत का
डेढ़ गुना पैसा भी दिया है। इस बार भी धान की एमएसपी में 80 रुपये की वृद्धि कर उसे 2000 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा कर दिया गया है। भाइयों और बहनों, खेती हो या उद्योग, हर सेक्टर के विकास के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आवश्यक है। तेलंगाना का गांव हो या शहर, आधुनिक कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अभूतपूर्व काम कर रही है। हैदराबाद में यातायात और सुगम बनाने के लिए केंद्र सरकार 1500 करोड़ रुपए की लागत से 4 और 6 लेन के कई फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर बना रही है। इस हाईटेक सिटी में जाम की परेशानी कम करने के लिए केंद्र सरकार 350 किलोमीटर परिधि की रीजनल रिंग रोड भी बनाने जा रही है। भाइयों और बहनों, हमारा प्रयास है कि तेलंगाना के कोने कोने तक बेहतरीन कनेक्टिविटी पहुंचे। पिछले 8 वर्षों में तेलंगाना में नेशनल हाईवे की लंबाई 2 गुनी हो चुकी है। 2014 में तेलंगाना राज्य में लगभग 2500 किलोमीटर के नेशनल हाईवे थे, आज 5000 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है। शहर ही नहीं, गांवों को भी नेशनल हाईवे से जोड़ते हुए 2700 किलोमीटर से अधिक की सड़कें बनाई जा चुकी है। पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे फेज के तहत लगभग 2500 किलोमीटर की नई सड़कों के लिए भी 1700 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार रेलवे में भी बीते 8 वर्षों में तेलंगाना के लिए 31000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं। लगभग 180 किलोमीटर की नई रेल लाइन तेलंगाना में बिछाई जा चुकी है। साथियों, आत्मनिर्भरता की बात आती है तो मैंने हमेशा 5F की बात की है, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन। ये बात मैं कह रहा हूं, इसी सोच के तहत हमने तय किया कि टेक्सटाइल में देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हम देश में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे। टेक्सटाइल पार्क जब लगता है तो किसान को भी फायदा होता है, मजदूर को भी काम मिलता है, व्यापार कारोबार भी फलता फूलता है। इनमें से एक मेगा टेक्सटाइल पार्क का निर्माण तेलंगाना में भी होने वाला है। ये टेक्सटाइल पार्क यहां बन जाएगा तो तेलंगाना के किसानों को तो लाभ होगा ही, यहां हजारों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। साथियों, हैदराबाद देश की आत्मनिर्भरता का, देश के आत्मविश्वास का प्रमुख सेंटर है। तेलंगाना के दूसरे शहरों और गांवों में भी असीम सामर्थ्य है। यहां के खेतों में, यहां के किसानों के पास देश और दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। यहां प्रकृति ने भी कोई कमी नहीं रखी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तेलंगाना में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनेगी तो तेलंगाना के शहर, तेलंगाना के हर गांव विकास के लिए
यहां और तेजी से काम होगा। हमें सबको पॉजिटिविटी से जोड़ना है, सबको विकास से जोड़ना है। तेलंगाना के विकास की गति को हमें और तेज करना है। सबका प्रयास से ही हम तेलंगाना को विकास के नए शिखर पर ले जा सकते हैं। मेरे प्यारे तेलंगाना के भाइयों बहनों, विशेषकर मेरी माताएं बहनें, विशेष करके मेरे जोश से भरे नौजवान, आप इतनी बड़ी संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इसलिए मैं हृदय से तेलंगाना वासियों का नमन करके अभिनंदन करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, दोनों मुट्ठी ऊपर करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।